मुंबई कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भाई जगताप जी के हाथों से जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ और उद्घाटन में शामिल सभी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज कार्यकर्ता मौजूद थे और साथ ही हुसैन दलवी जी एक्स एमपी रहे और साथ ही साथ कई सालों से वो काम कर रहे थे और उन्होंने अभी जनसंपर्क कार्यालय गांधीनगर में खुला हुआ है और यहाँ पर कभी भी लोग आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एसएम फानूस, देखते रहिए रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया। धन्यवाद। सालों से यहाँ ऑफिस था, चूँकि वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है तो हमारे नेता इस महाराष्ट्र के माजी मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और हमारे कोंकण के बहुत ही ज्येष्ठ नेता है हुसैन दलवाई साहब। तो वो बिल्डिंग में जहाँ उनकी ऑफिस थी सालों से, तो वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई और उन्होंने ये जगह पे जो ऑफिस खुलवाई है ये उससे कई गुना बेहतर इसलिए है क्योंकि ये मेन रोड पे इतने ये मेन या इस रोड को पैरेलल वेस्टर्न हाईवे को पैरेलल मैं मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि उन्होंने ये ऑफिस खुलवा के लोगों को आने जाने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि उनकी ऑफिस उस तरफ थी, उधर ही नज़दीक बहुत लंबी है नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफिस ऑफिस पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सामाजिक स्तर से भी जुड़े हुए बहुत सारी संस्थाएं और ये उनका काम करने का हमेशा तरीका है। एक ऑफिस का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़िया ऑफिस उन्होंने बनाई है और मैं भी बांद्रा में रहता हूँ तो मैं भी कभी यहाँ आके बैठ सकता हूँ। जी तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दलवाई साहब को और मुझे यकीन है जो काम वो सालों से करते आए हैं, आम जनता के बीच रहते हैं, आम जनता के काम करते हैं, तो ये ऑफिस के माध्यम से और ज़्यादा पुख्ता काम होगा और ज़्यादा अच्छा काम होगा। राजनीति में हूँ और हमेशा गरीबों में काम, मजदूरों में काम, आदिवासियों में काम, दलितों में काम किया हूँ तो मेरे पहचान के साथ सब जगह लोग हैं, उनको लगता है कि आपके पत्र में लेने के बाद काम होगा, वो लेटर देना, फ़ोन करना, ये करना, ये सब काम हमारा चलता है। आजकल बम्बई में बड़े पैमाने पे SRA के प्रोजेक्ट जो निलंबित रहे हैं सालों सालों से, 15 साल 20 साल, उसका सवाल भी हम लोग हमेशा उठाते रहते हैं। तो इसके लिए मेरा ऑफिस पहले उधर था, खेर नगर बिल्डिंग नंबर 1, वो बिल्डिंग सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रही है, उसमें हमारे वहाँ की चेयरमैन जो है, वहाँ के सेक्रेटरी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अभी बिल्डिंग डिमोलिश की जाएगी, इसलिए यहाँ ये 3 साल के लिए ये ऑफिस लिया गया। आज हमारे साथ आसिफ सर जो बांद्रा ईस्ट केसर कॉलेज के चेयरमैन है और आज हम उनसे बात करेंगे। आज जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ऑफिस की, उस विषय पे हम बात करेंगे उनसे। सर जी, ये जो जनसंपर्क कार्यालय आज जो खुला है हुसैन दलवाई जी का ऑफिस, तो इससे क्या लोगों को लाभ मिलेगा और क्या फ़ायदे होंगे और यहाँ पर क्यों आया, क्या कहना चाहेंगे आप सर? खासदार हुसैन दलवाई साहब कांग्रेस के एक बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता के साथ साथ एक कद्दावर नेता भी हैं और अपने दोनों कार्यकाल में जब वो खासदार थी हमेशा लोगों के हक की लड़ाई वो लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं। जो कि आज खासदार नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करके एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि मैं जब पद पे था तब भी लोगों के साथ में था और आज मैं पद पर नहीं हूँ, आज मैं खासदार नहीं हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं आज एक पदाधिकारी हूँ, उसके बावजूद भी मैं आज लोगों के साथ में हूँ। और ख़ास करके ये जो कोविड का कार्यकाल चल रहा है पिछले 2 साल से, जहाँ पर लोग पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं, लोगों को माली नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, लोग बड़े परेशान हैं, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में इनका यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय खुलना अपने आप में इस बात का संकेत है कि लोगों के वो हमेशा नेता थे, आज भी वो नेता है और भविष्य में भी वो लोगों के नेता रहेंगे। कांग्रेस में आपका पद क्या है? मैं मुंबई विभागीय कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रतिनिधि हूँ
और जब से राजनीति में मैं सक्रिय हुआ हूँ 2005 में मैं यूथ कांग्रेस में था, हुसैन दलवाई साहब ने समय समय पर युवाओं को लोगों को अपने साथ में रखा, लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया और आज इसी क्षेत्र के अंदर मेरा एक कॉलेज है, कैसर जूनियर और डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और आज इस कॉलेज के अंदर एक 1200 से 1300 स्टूडेंट यहां पर विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे माजी खासदार हुसैन दलवाई साहब का है। जब 2003 में इस कॉलेज की स्थापना डालनी थी उस समय से लेके आज तक हुसैन दलवाई साहब ने समय समय पर इस कॉलेज पर जब भी पीड़ा आई, कोई प्रॉब्लम आई तो उसको उन्होंने मदद किया।